आंगन, ये वही आंगन है जहाँ दादी ने तुलसी का बीज बोया था। ये वही आंगन है जहाँ दादाजी ने गोद में खिलाया था। लुका छुपी खेलते थे यहाँ, गिरते संभलते थे यहाँ। चाय में बिस्कुट डुबाते थे, फिर चुपके से एक और लाते थे। पटाखे भी फोड़े यहाँ, आम भी खाए यहाँ। दिवाली की रोशनी में खुद को धोया यहाँ। चांद की रोशनी में लोरिया सुनी यहाँ। ये आंगन कितना बड़ा है ये भी समझा जब दादाजी से गणित सीखा यहाँ। ये आंगन गाता भी है, ये मुस्कुराता भी है, ये रोता भी है, डराता भी है। दादी ने भूतों वाली कहानी सुनाई थी यहाँ। आंगन में दबे पाँव चलते चलते सालों बीत गए। बीते साल चंद दिनों जैसे लगने लगे। फिर एक दिन मेहंदी की खुशबू से वही आंगन खिल उठा था। दूर जाने का सोच के ही मन घबरा सा गया था। ये तो माँ समझ सकी और दादी महसूस कर सकी। उन्हें उनके आंगन की याद हल्के से सता गई। पिताजी ने दादाजी की तरफ देखा, पिताजी को बहन और दादाजी को बेटी की याद आंसुओं में गालों पर महसूस हुई। पर ये आंगन तब भी यही था, आज भी यही है, कल भी यही रहेगा। तुलसी के पत्ते झड़ते रहेंगे, फिर नए से उमलने लगेंगे। बचपन में हर साल छुट्टियां बिताती थी यहाँ, फिर शहर जाते वक्त रोती थी यहाँ। लेकिन अब किसी अनजान शहर में घर बसा के भूतों वाली कहानी सुनने जाऊं कहाँ। कुछ सालों में पापा मेरे बच्चों को उनकी गोद में खिलाते होंगे। बस यही मेरे माँ जैसे इस ममता भरे आंगन में आज एक और बीज बोया है। इस आंगन में मेरी शादी का अवसर आया है।